आओ जी, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। डिमांड फॉर ए कमोडिटी रिफर्स टू, डिमांड की इसमें एग्जैक्ट परिभाषा पूछ रहा है। डिजायर बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे फॉर द कमोडिटी, बी नीड फॉर द कमोडिटी एंड विलिंगनेस टू पे, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी एट अ सर्टेन प्राइस, या द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड एट अ सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डी, अब इसमें आपको जो एग्जैक्ट ना डिमांड की परिभाषा हमने मार्क करी थी जिस समय शुरुआत में, तो वो लाइन जो है वो यही लाइन थी। तो उसमें भी हमने देखा था कि मतलब कितनी क्वांटिटी कोई पर्टिकुलर व्यक्ति डिमांड कर रहा है एट अ सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हम कहते हैं डिमांड। इसके बाद नंबर 2 है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज अ रिजल्ट ऑफ, वैसे ही कॉन्सेप्चुअली याद है कॉन्ट्रैक्शन कब होता है डिमांड में, जब प्राइस में इंक्रीज होता है ना, क्योंकि जब प्राइस बढ़ता था तो ऑटोमेटिकली क्या होता था, अगर मैं बना के दिखाऊं तो डिमांड आपकी प्राइस के बढ़ने की वजह से मतलब कम हो जाती थी, इसी को हम बोलते थे कॉन्ट्रैक्शन। तो इसीलिए सही आंसर हो गया बी, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड कंसर्न, उसी गुड के प्राइस में जब इंक्रीज होगा तब हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। उसके नंबर 3 में पूछ रहे ऑल बट वन, अच्छा पहले तो ये अंग्रेजी कईयों को नहीं समझ आती, ऑल बट वन का मतलब है सारे सिवाय एक के, तो इसमें आपको वो एक्सेप्ट पूछ रहा है, या एक तरह से समझ लो क्या नहीं है ये बताना है, किस बारे में क्या नहीं है। ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग आर एज्यूम टू रिमेन सेम वाइल ड्रॉइंग एन इंडिविजुअल डिमांड कर्व फॉर ए कमोडिटी, कह रहे हैं हम इसमें सभी चीजों को एज्यूम करते हैं कि वो सेम रहेगी सिवाय एक के, मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या सेम नहीं रहेगा, समझ आ गया क्वेश्चन, क्या सेम नहीं रहेगा ये पूछ रहा है। तो प्रेफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल वो हम मानते हैं सेम रहेगा, मनी इनकम वो हम मानते हैं सेम रहेगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड वो हम मानते हैं सेम रहेगा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी को तो हम सेम नहीं मान सकते ना, वो तो बदलेगा। तो ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है इनडायरेक्टली कि जब आप इंडिविजुअल डिमांड कर्व को ड्रॉ करते हो, या यूं कह लो कि जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं, तो आपको क्या बताया था कि डिमांड इज फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी, तो उसमें हमारी अजम्पशन क्या होती है, हम क्या क्या अज्यूम करते हैं कॉन्स्टेंट रहेंगे, अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट रहेंगे, लेकिन प्राइस को थोड़ी ना हम कॉन्स्टेंट अज्यूम करते हैं, प्राइस तो बदलेगा, तो इसीलिए 3 का हो गया सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गुड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट, सिंपल हो गया, सब्स्टिट्यूट बताने हैं, टी और शुगर तो कॉम्प्लीमेंट्री है, टी एंड कॉफी, तो ये तो बचपन से वही चल रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इन केस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीटिंग टू एक्सेस, कह रहा है अगर एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व हो जो दो एक्सेस को मीट कर रहा हो, मतलब ये लो झूला बन गया, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पर कह रहा है इलास्टिसिटी क्या होती है, 1 है ना, तो ये हमने ज्योमेट्रिक मेथड में पढ़ रखा था। उसके बाद नंबर 6, द लॉ ऑफ डिमांड एज्यूमिंग अदर थिंग्स टू रिमेन कॉन्स्टेंट एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन, सिंपल, तो लॉ ऑफ डिमांड किनके बीच में रिलेशन बताता है, प्राइस ऑफ गुड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट रहती हैं। इसके बाद नंबर 7, आइडेंटिफाई द फैक्टर विच जनरली कीप्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ गुड लो, कह रहे कौन से फैक्टर आपको लगता है कि जिससे इलास्टिसिटी कम रहती है, कौन सा फैक्टर है, वेराइटी ऑफ यूजेस फॉर दैट गुड, तो जितने ज्यादा यूज होते हैं हमने पढ़ा था उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी होती है, तो ए तो आंसर नहीं होगा। वेरी लो प्राइस ऑफ कमोडिटी, अगर कोई कमोडिटी बहुत सस्ती है तो उसकी इलास्टिसिटी कम रहेगी, क्योंकि फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा ना भाई, आपको माचिस की डिब्बा खरीदना हो, आपको नमक खरीदना हो, जिनकी प्राइस बहुत लो है तो उनकी डिमांड आपकी चेंज नहीं होगी, आप 1 रुपए का खाए तब भी खरीद लोगे, वही 2 रुपए का भी हो गया तब भी आप खरीद लोगे, है ना, तो
इसकी ही इलास्टिसिटी लो रहेगी। बाकी अगर आप सी और डी पढ़ोगे भी, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं जब, तो भी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। हाई प्रोपोर्शन होता है किसी चीज का आपकी इनकम में, तो भी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। तो ए सी और डी में इलास्टिसिटियां ज्यादा होती हैं। उसके बाद एट्थ में कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द कोफिशियंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ ए गुड डिमांडेड इज स्मॉलर देन परसेंटेज फॉल इन इट्स प्राइस। तो क्वांटिटी में परिवर्तन कम है और प्राइस में परिवर्तन ज्यादा है, तो लेस देन वन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नौ, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, वो बनवाया था ना, हाँ, कि भाई जीरो से अगर वन के बीच में है तो हम मान लेते हैं कि भाई नॉर्मल गुड है, वन से ज्यादा है तो मान लेते हैं लग्जरी गुड्स हैं, लेकिन अगर जीरो से छोटी है, नेगेटिव में है, तो इंफीरियर गुड्स होते हैं। तो इंफीरियर गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। उसके बाद नंबर दस, इफ द डिमांड फॉर ए गुड इज इन इलास्टिक, अगर डिमांड किसी गुड की इन इलास्टिक है, एन इंक्रीज इन इट्स प्राइस, प्राइस के बढ़ने से विल कॉज द टोटल एक्सपेंडिचर, तो पूछ रहा है टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा। तो पहले तो ये बताओ कि जब इलास्टिसिटी लेस देन वन मतलब इन इलास्टिक होती है, तो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर किस डायरेक्शन में मूव करते, सर हमें क्या बता, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। तो जब इलास्टिसिटी लेस देन वन होती है तो प्राइस और एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो अगर प्राइस बढ़ा है तो टीई क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा, तो टेंथ का हो गया बी। उसके बाद नंबर 11, इफ रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन इट्स प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स अनचेंज्ड, कह रहा है क्वांटिटी बदलेगी ही नहीं, देन द डिमांड कर्व फॉर द गुड विल बी, कह रहा है बताओ कैसा डिमांड कर्व है, वर्टिकल। तो जब डिमांड बदलेगी ही नहीं तो इसका मतलब वर्टिकल बन गया डिमांड कर्व, वहीं से पता लग गया डायग्राम से। उसके बाद नंबर 12, सपोज द प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीजेस, पेप्सी महंगी हो गई, वी विल एक्सपेक्ट द डिमांड कर्व ऑफ द कोका कोला टू, कोक की डिमांड क्या होगी, पहले तो ये बताओ, बढ़ जाएगी। तो कोक की डिमांड बढ़ने का मतलब है डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट हो जाएगा, है ना, इंक्रीज इन डिमांड का आपने यही डायग्राम बना रखा है, तो शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एक्सेप्ट, सिंपल क्वेश्चन, टेस्ट है, इनकम है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड है, क्वांटिटी सप्लाइड, ये कोई फैक्टर नहीं है। उसके बाद नंबर 14, ए मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व फॉर सॉफ्ट ड्रिंक्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व को क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, बिल्कुल सही है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन। उसके बाद 15, इफ द प्राइस ऑफ पेप्सी डिक्रीजेस, पेप्सी सस्ती हो गई, द रिलेटिव टू द प्राइस ऑफ कोक एंड सेवन अप, कोक और सेवन अप के मुकाबले पेप्सी सस्ती हो गई, तो पूछ रहे बताओ डिमांड कोक की कम हो जाएगी, सेवन अप की कम हो जाएगी, कोक और सेवन अप दोनों की ही बढ़ जाएगी, और कोक और सेवन अप दोनों की ही कम हो जाएगी, दोनों की कम हो जाएगी, क्योंकि भाई जब पेप्सी सस्ती हो गई तो तुम राजीव क्या पियोगे, ज्यादा पेप्सी ज्यादा पियोगे, तो पेप्सी ज्यादा पीने की वजह से कोक और सेवन अप की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, दोनों की डिमांड कम हो जाएगी। उसके बाद नंबर 16, अभी डिस्कस करा था हमने, लग्जरी गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी है ना वन से बड़ी। उसके बाद नंबर 17, द प्राइस ऑफ हॉट डॉग्स इंक्रीजेस बाय 22%, तो प्राइस में जो चेंज आया वो था 22% एंड द क्वांटिटी ऑफ हॉट डॉग डिमांडेड फॉल बाय 25%, क्वांटिटी में जो फॉल आया वो आया 25%, तो इसका मतलब क्वांटिटी में परिवर्तन ज्यादा है,
प्राइस में परिवर्तन कम, तो ये क्या दर्शा रहा है? इलास्टिक, क्योंकि आंसर आपका वन से बड़ा आएगा, ठीक है ना, वो तो सीधा पता चल जाएगा आपको। उसके बाद जी 18, इफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मटन इंक्रीजेस बाय 5%, क्वांटिटी 5% बढ़ गई, प्राइस ऑफ द चिकन इंक्रीजेस बाय 20%, प्राइस 20% बढ़ा, देख रहे हो प्राइस इतना बढ़ा, क्वांटिटी थोड़ी सी ही बढ़ी, प्राइस में परिवर्तन काफी ज्यादा है। द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन मटन एंड चिकन इज, तो क्वांटिटी का चेंज है 20%, प्राइस का चेंज है 5%, तो यही होता है ना फॉर्मूला इलास्टिसिटी का, तो सॉल्व करके कितना आएगा, परसेंट से परसेंट कटा, 5 से 20 कटा 4, ओके तो चेंज कर लेते हैं, मैंने न्यूमरेटर में प्राइस रख दिया सॉरी, तो ऊपर 5% रख देते हैं और नीचे 20% रख देते हैं, ठीक है, तो 0.25% से परसेंट कट गया, तो 0.25 पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि मटन का प्राइस भी इंक्रीज हुआ और चिकन की क्वांटिटी, मतलब चिकन का प्राइस भी इंक्रीज हुआ और मटन की क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई, तो सब्स्टिट्यूट हैं दोनों, और सब्स्टिट्यूट्स में वैसे भी डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन रहता है, तो दोनों चीजें ही इंक्रीज हो रही थी, तो इसीलिए ऑटोमेटिकली आपका आंसर पॉजिटिव 0.25 आ गया। इसके बाद जी 19, गिवन द फॉलोइंग फोर पॉसिबिलिटीज विच वन रिजल्ट इन इंक्रीज इन टीई, आपको बताना है किससे टीई इंक्रीज होगा, ये बताना है, ठीक है। कह रहे डिमांड इज यूनिट इलास्टिक, तो भाई अगर डिमांड यूनिट इलास्टिक होती है उसमें तो टीई विल रिमेन सेम, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। कह रहे डिमांड इज इलास्टिक, तो अगर डिमांड इलास्टिक होती है यानी ईडी ग्रेटर देन वन होता है तो प्राइस और टीई ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उसने बोला एंड प्राइस राइजेस, तो प्राइस अगर राइज हो रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब हो गया टीई तो फॉल करेगा, तो इसलिए बी ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है राजीव, समझ रहे हो तुम? अगर तुम्हें समझ आएगा तब माना जाएगा कि भारत का हर बच्चा समझ सकता है। फिर उसके बाद डिमांड इज इन इलास्टिक, बताओ डिमांड जब इन इलास्टिक होती है तो प्राइस और टी किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, बोलो सेम, तो उसने लिखा प्राइस फॉल, तो प्राइस अगर फॉल हुआ तो टीई भी क्या होगा, फॉल, तो ये ऑप्शन भी गलत। डी में कह रहा है डिमांड इज इन इलास्टिक और प्राइस कह रहा है राइज, तो ऑपोजिट सेम डायरेक्शन में मूव कर दे तो टीई भी राइज हो जाएगा, तो डी ऑप्शन की ही वजह से टीई जो है वो राइज होगा, ओके ठीक है। इसके बाद नंबर 20 में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज करेक्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में कह रहा है, बताओ क्या सही है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मेजर ऑफ हाउ मच द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन प्राइस ऑफ दैट गुड, ये तो सही है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज कॉम्प्यूटेड एज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, फॉर्मूला भी सही है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन द लॉन्ग रन वुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ शॉर्ट रन, ये भी सही है, क्योंकि शॉर्ट रन में माना जाता है सप्लाई वैसे भी हम चेंज कम कर पाते हैं, लॉन्ग रन में ज्यादा चेंज कर पाते हैं, तो दोनों में इलास्टिसिटी अलग होगी, ऑल। उसके बाद 21 में पूछ रहा है कि क्या गलत है, when goods are substitutes, ठीक है, fall in the price of one, कह रहा है अगर एक का प्राइस कम होगा, मान लो टी का प्राइस कम हुआ, leads to the fall in the quantity demanded for its substitute, तो कह रहा है उसकी क्वांटिटी जो सब्स्टिट्यूट की है कॉफी की है वो कम हो जाएगी, तो ये तो सही कह रहा है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो पहला स्टेटमेंट तो वो सही कह रहा है कि अगर एक गुड का प्राइस कम होगा, टी का प्राइस मान लो कम होगा, तो कह रहा है उसके सब्स्टिट्यूट की भी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, तो ये तो सही कह रहा है, ये तो गलत नहीं कह रहा है, तो सही कह रहा है। बी में कह रहा है व्हेन कमोडिटीज आर कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब मान लो कार और पेट्रोल, द फॉल इन द प्राइस ऑफ वन, कह रहा है अगर कार का प्राइस मान लो कम हो गया
विल कॉज द डिमांड ऑफ द अदर टू राइज. तो कह रहे इस वजह से पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी. तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड में यही होता है, ये भी सही कह रहे हैं, क्योंकि प्राइस अगर कार का कम होगा तो लोग गाड़ियां ज्यादा खरीदेंगे, गाड़ियां ज्यादा खरीदेंगे तो पेट्रोल की भी डिमांड ज्यादा हो जाएगी. तो बी भी सही कह रहे हैं. सी में कह रहे हैं एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, आपकी इनकम जब बढ़ती है द डिमांड फॉर ए कमोडिटी इंक्रीजेज ऑलवेज. कह रहा आपकी डिमांड कमोडिटी की हमेशा बढ़ेगी. नहीं, क्योंकि इंफीरियर गुड में उल्टा भी होता है, तो उसमें आपकी डिमांड कम भी होती है. तो ये बात उसने गलत कह दी, तो हम इसीलिए सी ऑप्शन टिक कर लेते हैं. बाकी इसके बाद है जी 22. सपोज द प्राइस ऑफ द मूवी सीन एट द थिएटर राइजेस फ्रॉम 120 टू 200. तो प्राइस मान लेते हैं 120 था पहले, जो बढ़कर हो गया 200. द थिएटर मैनेजर ऑब्जर्व दैट द राइज इन प्राइस कॉजेज द अटेंडेंस एट अ गिवन मूवी टू फॉल फ्रॉम 300 टू 200. क्वांटिटी जो है वो 300 से घटकर 200 हो गई. तो कह रहा है आर्क इलास्टिसिटी मेथड लगाकर प्राइस इलास्टिसिटी बताओ. आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बताओ. ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें, 200 माइनस 300 बटे 200 प्लस 300 इंटू 200 प्लस 120 बटे 200 माइनस 120. तो इस पूरी गणित को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 0.8. ठीक है, तो अब क्योंकि माइनस 0.8 नहीं दे रखा तो फिर आप 0.8 ही ले लो. ठीक है, ओके. चलो उसके बाद 23 जो है वो सेम है, तो इसमें मैं ऐसे ही टिक लगा देता हूं. मतलब इसमें भी आपको प्राइस दे रखा है 300 से 200 हो गया और डिमांड आपकी 3000 से 5000 हो गई, और कह रहा है प्राइस इलास्टिसिटी निकालना यूजिंग आर्क इलास्टिसिटी. ठीक है, तो इस पर टिक लगा लें अपने आप, ये डन हो जाएगा. इसके बाद है जी 24. नेम व्हेन द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन टू गुड्स इज वेरी हाई. ये बताया था नहीं, क्रॉस इलास्टिसिटी जब बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो इसका मतलब क्या बताया था कि वो उतने ही गहरे सब्स्टिट्यूट्स हैं. परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा अगर बिल्कुल इंफिनिटी होगी. परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कब होता, जब क्रॉस इलास्टिसिटी बिल्कुल ही इंफिनिटी होती. तो ये लेकिन काफी हाई है, तो इसका मतलब उनकी सब्स्टिट्यूटेबिलिटी भी काफी हाई है, तो दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. तो क्रॉस इलास्टिसिटी का वो नंबर लाइन दोबारा बना देता हूं कि भाई जीरो अगर है तो इसका मतलब कि दोनों गुड्स में कोई रिश्ता नहीं है. जितना पॉजिटिव जोन में होगा इसका मतलब वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, जितना नेगेटिव जोन में होगा इसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, और बस जितना मतलब इसमें आप आगे बढ़ते रहोगे उतना उनका गहरा रिश्ता होता चलेगा. तो बिल्कुल ही अगर मैं कह दूं कि इन्फिनिटी है तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, तो अगर ज्यादा हायर रेंज पर आंसर है तो इसका मतलब हम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कहेंगे, हाई सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं. ठीक है, उसके बाद जी 25. इफ लोकल पिजेरिया रेजेस द प्राइस ऑफ ए मीडियम पिज्जा फ्रॉम 60 रुपए टू 100 रुपए. ठीक है, तो पिज्जा के दाम 60 से 100 हो गए. क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स फ्रॉम 700 टू 100. क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 700 से 100 हो गई. तो कह रहा है प्राइस इलास्टिसिटी निकालो आर्क मेथड से. तो ये भी मैं टिक लगा दूं अपने आप, अब सेम ही हो गया, हो जाएगा. उसके बाद 26. इफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इज इन इलास्टिक. ठीक है, एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इंक्रीजेस, प्राइस बढ़ गए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू अकर. तो भाई देखो जी, डिमांड इन इलास्टिक है तो क्वांटिटी में जो परिवर्तन आएगा वो कैसा आएगा, कम आएगा, क्योंकि अगर डिमांड इन इलास्टिक होती है तो प्राइस में परिवर्तन जो भी आए क्वांटिटी में उससे थोड़ा कम आएगा. तो ये अंग्रेजी आपको पढ़नी है जिसमें ऐसा लिखा हो
कि क्वांटिटी कम होगी लेकिन थोड़ा सा कम, रिलेटिवली लेस. तो ए में लिखा है अंग्रेजी, क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल बाय रिलेटिवली लार्ज अमाउंट, तो ये तो गलत हो गया. बी में लिखा है क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल बाय रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट, तो ये सही हो गया. इसके बाद 27, सपोज द डिमांड फॉर ए मील एट अ मीडियम प्राइस रेस्टोरेंट इज इलास्टिक. कह रहे हैं मान लेते हैं डिमांड इलास्टिक है. इफ द मैनेजमेंट ऑफ रेस्टोरेंट इज कंसिडरिंग रेजिंग प्राइसेस, और मैनेजमेंट सोच रहे हैं हम प्राइस बढ़ाएंगे, तो ध्यान से डिमांड इलास्टिक है तो इसका मतलब प्राइस में जो भी परिवर्तन आया है क्वांटिटी में उससे काफी ज्यादा परिवर्तन आएगा. तो अगर रेस्टोरेंट वाला सोच रहा है प्राइस बढ़ा दें तो क्वांटिटी काफी ज्यादा गिर जाएगी इस बार क्योंकि डिमांड इलास्टिक है. तो क्या बन गई अंग्रेजी 27 का आंसर, लार्ज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड. प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी में जो गिरावट आएगी वो लार्ज आएगी, ठीक है ना. अच्छा, कई बच्चों का ये दिमाग में प्रश्न हो सकता है सर लार्ज फॉल इन डिमांड क्यों नहीं कहा आपने. बिल्कुल सही, क्योंकि प्राइस में चेंज हो रहा है. प्राइस में चेंज होने की वजह से आप कभी भी डिक्रीज इन डिमांड टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करते, आप डिमांड वर्ड यूज ही नहीं करते. इनफैक्ट प्राइस में चेंज आने की वजह से आपकी टर्मिनोलॉजी ही क्वांटिटी डिमांडेड बनती है ना. तो अगर किसी अदर फैक्टर की वजह से आ रहा होता तो आप चेंज इन डिमांड कह सकते थे, लेकिन यहां पे तो क्योंकि प्राइस में चेंज हुआ तो आप डिमांड वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते. अच्छा 28, पॉइंट इलास्टिसिटी इज यूजफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन. लिखवा रखा है आपको, पॉइंट इलास्टिसिटी तब यूजफुल होती है जब बहुत बड़ी किसी चीज में होने की संभावना बहुत छोटी हो. यानी कि ए बुक स्टोर इज कंसिडरिंग डबल द प्राइस ऑफ नोटबुक. तो भाई नोटबुक पहले 20 रुपए की थी और अब कह रहे हैं इसको डबल कर देंगे, तो ये तो काफी मेजर चेंज है, प्राइस में काफी मेजर चेंज है. बी में लिखा है रेस्टोरेंट इज कंसिडरिंग लोअरिंग द प्राइस ऑफ इट्स मोस्ट एक्सपेंसिव डिशेस बाय 50%. यहां पर प्राइस 50% कम होने की बात कर रही है, यह भी एक मेजर प्राइस में चेंज है. अब एक गाड़ी बनाने वाला प्रोड्यूसर, ऑटो प्रोड्यूसर कह रहा है कि चलो हम गाड़ियों के दाम को 100 रुपए कम करेंगे. तो गाड़ियों के दाम 100 रुपए कम होना तो बहुत ही माइन्यूट चेंज है. तो पॉइंट इलास्टिसिटी ऐसे चीजों में इस्तेमाल की जाती है, ये हमने पढ़ा था. इसके बाद जी 29 में कह रहे डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस कम हुआ, कह रहा है विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन टी आर, मतलब वही टीई एक ही बात है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो ऑपोजिट में कब जाते हैं, जब इलास्टिसिटी बोलो ना वन से बड़ी होती है. तो बस इलास्टिसिटी वन से बड़ी का मतलब है क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आएगा और प्राइस में कम चेंज आएगा. तो ऐसी अंग्रेजी कहां दे रखी है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना. तो इलास्टिसिटी वन से बड़ी की अंग्रेजी आपको बी ऑप्शन में दे रखी है. उसके बाद 30, एन इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन टी आर. तो मतलब प्राइस बढ़ गया और कह रहे हैं टी आर भी बढ़ गया, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो बताओ राजीव इलास्टिसिटी क्या होती है सेम डायरेक्शन वालों की, नलायक, लेस देन वन. तो लेस देन वन की अंग्रेजी ढूंढो, लेस देन वन वाले की अंग्रेजी ढूंढो. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है. उसके बाद 31, डिमांड फॉर अ गुड विल टेंड टू बी मोर इलास्टिक. कह रहे डिमांड ज्यादा इलास्टिक होगी अगर इफ एग्जिबिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक. तो ज्यादा इलास्टिसिटी वाले डिमांड कब होगी, हमने पढ़ा था ना जबकि इलास्टिसिटी को कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं. इट रिप्रेजेंट स्मॉल पार्ट ऑफ कंज्यूमर इनकम, नहीं, उस समय तो इलास्टिसिटी भी कम होती है. द गुड हैज मेनी सब्स्टिट्यूट्स, तो यही है क्योंकि जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स होते हैं तभी इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा होती है. बाकी सी और डी पढ़ने की जरूरत नहीं, उसमें भी लेस देन वन होती है. उसके बाद जी 32,
द डिमांड फॉर ए गुड विल टेंड टू बी मोर इनइलास्टिक, कह रहे डिमांड ज्यादा इनइलास्टिक होगी अगर क्या करेक्टरिस्टिक नजर आएंगे. द गुड हैज मेनी सब्स्टिट्यूट, नहीं. द गुड इज लग्जरी, नहीं, क्योंकि इसमें भी इलास्टिसिटी मोर देन वन होती है. द गुड हैज ए स्मॉल पार्ट ऑफ कंज्यूमर इनकम, तो इस समय इलास्टिसिटी कम होती है, ये हमने पढ़ा भी था. उसके बाद 33 चलो आप सॉल्व करके बताओ. अच्छा तो सेम ही है वैसे तो. सपोज द कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 30,000, मैं इसको ऐसी पी जीरो लिख रहा हूं, हालांकि ये वाई जीरो है, लेकिन फिर भी भाई कुछ बच्चे राजीव जैसे भी होते हैं, और वो बढ़कर हो गई 36,000, तो मैंने लिखने के लिए पी जीरो पी वन लिख लिया. एज ए रिजल्ट द कंज्यूमर इंक्रीजेज हर कॉम्पैक्ट डिस्क फ्रॉम 25 to 30, तो ये क्यू जीरो और क्यू वन हो गया. तो फिर आपको पूछ रहा है इलास्टिसिटी निकालो, ठीक है, तो ये अपने आप कर लोगे. इसके बाद 34 चलो. टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, टीयू कह रहा है मैक्सिमम कब होता है, जब एमयू क्या होता है जीरो, है ना, तो वो टीयू एमयू का रिलेशन. उसके बाद 35 विच वन इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ द थ्योरी ऑफ डिमांड बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ इनडिफरेंस कर्व, इनमें से आईसी कर्व एनालिसिस का क्या अजम्पशन नहीं है. गिवन स्केल ऑफ प्रिफरेंस एज बिटवीन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, कह रहा है कि भाई जो टू गुड्स के गिवन टू गुड्स के जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं उनकी प्रिफरेंसेस का स्केल जो है वो कॉन्स्टेंट रहता है, ये तो है अजम्पशन. डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये भी है अजम्पशन, क्योंकि इसी की वजह से आईसी कॉन्वेक्स भी बनता है. डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कह रहा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिमिनिशिंग होता है, तो ये अजम्पशन नहीं है, क्योंकि ये तो मार्जिनल यूटिलिटी की यहां पे कोई बात ही नहीं करता इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में, तो ये तो पता चल गया. उसके बाद 36 एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउन टूवर्ड्स राइट, कह रहे इंडिफरेंस कर्व राइट की तरफ नीचे आता है. सिंस मोर ऑफ वन कमोडिटी एंड लेस ऑफ अनदर रिजल्ट इन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो पता ही है हमें कि इंडिफरेंस कर्व में जब आप ऊपर की बिंदुओं से मान लो नीचे की तरफ आ रहे हो, तो एक गुड ज्यादा कंज्यूम करते समय दूसरे गुड को आप कम करते हो, क्योंकि सेम सेटिस्फेक्शन होता है हर बिंदु पर. उसके बाद जी 37 सपोज दैट वर्कर्स इन ए स्टील प्लांट मैनेज टू फोर्स अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन देयर वेज पैकेजेस, तो भाई स्टील प्लांट के मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ गई, तो एक तरह से इनपुट महंगा हो गया, लेबर महंगी हो गई. हाउ वुड द न्यू वेज कॉन्ट्रैक्ट बी लाइकली टू अफेक्ट द मार्केट सप्लाई ऑफ स्टील, कह रहे बताओ ऐसे में सप्लाई की स्टील क्या होगी, बोलो ना क्या होगी, कम हो जाएगी, तो सप्लाई कर्व कहां शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा. भाई आपने पढ़ा था ये कि नहीं, अगर लागत बढ़ जाएगी किसी प्रोडक्ट को बनाने की तो प्रोड्यूसर क्या सोचेगा, इसकी सप्लाई कम कर दो, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू लेट, डिक्रीज इन सप्लाई. उसके बाद 38 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो आपको यह बताना है कि भाई इनमें से गलत क्या है. इनडिफरेंस कर्व मस्ट बी डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट, ये तो सही है. कॉन्वेक्सिटी ऑफ ए कर्व इंप्लाइज दैट द स्लोप ऑफ कर्व डिमिनिशेस, ये भी सही है, कह रहा है किसी भी कर्व की कॉन्वेक्सिटी ये दर्शाती है कि उसका स्लोप डिमिनिश हो रहा है, तो सही कह रहा है, जैसे इनडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है तो उसका स्लोप इसीलिए डिमिनिश होता है ना, इसीलिए आप कहते हो कि इनडिफरेंस कर्व के अंदर डिमिनिशिंग एमआरएस है, उसका स्लोप क्या होता है, डिमिनिश होता है, स्लोप कम होता रहता है. इनकम इलास्टिसिटी फॉर इंफीरियर गुड्स इज पॉजिटिव, तो इससे बड़ा झूठ और क्या होगा, क्योंकि इनकम इलास्टिसिटी इंफीरियर गुड्स की होती है नेगेटिव. उसके बाद 39
द सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ स्टैंप कलेक्टेड बाय अ लिटिल बॉय गिव हिम ग्रेटर एंड ग्रेटर सेटिस्फैक्शन. ठीक है, तो वो जितने सक्सेसिव यूनिट्स स्टैंप कलेक्ट कर रहा है छोटे बच्चे को उतना ज्यादा ही ज्यादा मजा आ रहा है. तो इसका मतलब ये क्लियर केस किस चीज का है? वेरी गुड, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू. क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू तो कहता है कि मजा कम आना चाहिए, जितना ज्यादा कंज्यूम करो उतना मजा कम होना चाहिए, लेकिन बच्चे को उतना और मजा आ रहा है. जैसे टाइम वेस्ट करने में आपको मजा और आता है, तो आपके भी एक्सेप्शन चलते हैं लॉ ऑफ डीएमयू के. उसके बाद 40, व्हाट विल हैपन इन द राइस मार्केट इफ द बायर्स आर एक्सपेक्टिंग हायर प्राइजेस, हायर राइस प्राइजेस इन नियर फ्यूचर. अब बायर ये सोच रहे हैं कि भविष्य में वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे कि चावल और महंगे हो जाएंगे भविष्य में, तो फिर वो अभी और खरीदेगा, अभी से और खरीदना शुरू कर देगा, है ना. तो इससे क्या हो जाएगी, डिमांड फॉर राइस विल राइज या विल इंक्रीज. उसके बाद 41 में पूछ रहा है, इन केस ऑफ गिफन गुड्स, गिफन गुड्स के केस में, तो गिफन गुड्स में सर रॉबर्ट गिफन ने क्या नोटिस करा था कि प्राइस बढ़ने पर भी क्वांटिटी बढ़ रही है, मतलब उन्होंने डायरेक्ट रिलेशन नोटिस करा था. तो डिमांड कर्व कैसा बनेगा इनका, अपवर्ड स्लोपिंग टू द राइट, सर रॉबर्ट गिफन ने ये नोटिस करा था. उसके बाद 42, बाय कंज्यूमर सरप्लस, ये भी हमने डिस्कस करा था ना कंज्यूमर सरप्लस. द इकोनॉमिस्ट मीन कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या है कि भाई, मैं सिंपल भाषा में याद दिलवा देता हूं कि वो देना तो ज्यादा चाहता है पर एक्चुअल में उसको सस्ते में मिल जाता है, उतने पूरे एरिया को कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं. तो सी ऑप्शन में यही अंग्रेजी लिखी है कि डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम अमाउंट ए पर्सन इज विलिंग टू पे एंड इट्स मार्केट प्राइस, मतलब मार्केट में जो एक्चुअल प्राइस है और जितना वो एक्चुअल में विलिंग है देने के लिए, उनके डिफरेंस को कंज्यूमर सरप्लस कह सकते हैं हम. उसके बाद 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व. तो सिंपल है, तो क्वेश्चन कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये तो है प्रॉपर्टी. एमआरएस इज कॉन्स्टेंट, ये नहीं है क्योंकि एमआरएस तो डिमिनिश होता है. MU is constant, ये भी नहीं है, MU की तो यहां बात ही नहीं होती, TU की बात ही नहीं होती, तो फर्स्ट ही हो गया सही ऑप्शन. उसके बाद 44, when economists speak of the utility of a certain good, they are referring to, जब economist utility की बात करते हैं तो इसका मतलब वो किस चीज की बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम द कंज्यूमिंग द गुड. इसमें कई बच्चों को डाउट आता है कि सर यूजफुलनेस की बात नहीं हो रही, नहीं यूजफुलनेस की बात नहीं हो रही, सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है ना. यूजफुलनेस अलग चीज होती है भाई, जैसे सिगरेट है तो उसमें मजा तो बहुत आता है राजीव भाई, है ना, लेकिन उसकी यूजफुलनेस कुछ नहीं है, है ना. तो इसीलिए यूजफुलनेस का कोई लेना देना नहीं होता यूटिलिटी में. उसके बाद 45, ए वर्टिकल सप्लाई कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस. बताओ ऐसा सप्लाई कर्व होगा तो इलास्टिसिटी क्या है, क्वांटिटी चेंज ही नहीं हो रही तो जीरो. उसके बाद 46, फॉर ए नॉर्मल गुड विद ए डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. ठीक है, तो नॉर्मल गुड की बात कर रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव, हां. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव, गलत. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव, गलत. सी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव, गलत. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव, हां. और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव, हां, है ना. तो ये सही हो गया, क्योंकि नॉर्मल गुड प्राइस के हिसाब से तो उल्टा चलते हैं, प्राइस बढ़ेगा तो आप क्वांटिटी कम कर दोगे, लेकिन इनकम के साथ वो डायरेक्ट होते हैं, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो इनकम इलास्टिसिटी उनकी पॉजिटिव है लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी उनकी नेगेटिव है. ओके, उसके बाद है जी 47, एन इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ द गुड
इज कॉज्ड बाय, कह रहा है सप्लाई इंक्रीज किससे होगी, सप्लाई इंक्रीज का मतलब है सप्लाई कर्व राइट में शिफ्ट किससे होगा ये बताना है। तो इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी से होगा, कॉम्पिटिटिव गुड का प्राइस कम हो गया तो उससे होगा, और कॉस्ट ऑफ फैक्टर कम हो गया उससे होगा, है ना, तो सभी से ही होगा। उसके बाद 48, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रिफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ऑफ अ गुड टू द चेंज इन इट्स, सिंपल क्वेश्चन है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में आप सप्लाई के चेंज को, यानी चेंज इन सप्लाई को किस चीज के चेंज के साथ बताते हो, प्राइस। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में हम डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस बताते हैं ऑफ सप्लाई ऑफ ए गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस, प्राइस के परिवर्तन के साथ सप्लाई में कितना चेंज हुआ ये बताती है इलास्टिसिटी। उसके बाद 49, ए हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व पैरेलल टू द क्वांटिटी एक्सिस, अगर ऐसा सप्लाई कर्व है तो कह रहा है इलास्टिसिटी क्या होगी, प्राइस चेंज ही नहीं हो रहा, इन्फिनिटी, है ना, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। उसके बाद 50, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इज ए रिजल्ट ऑफ, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्शन कब होता है सप्लाई में, जब प्राइस ऑफ द गुड कंसर्न कम हो जाए, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड कंसर्न, बाकी सब फैक्टरों से इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन का तो एक ही रीजन होता है, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड कंसर्न। उसके 51, बताओ राजीव, कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स आर ऑल्सो नोन एज प्रेस्टीज, स्नॉब और वेबलन, सभी इनके घर, ट्यूशन और मोहल्ले के नाम है। इसके बाद 52, द क्वांटिटी परचेज रिमेन कॉन्स्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन इनकम, भाई आपकी इनकम जितनी मर्जी हो जाए नमक आपको उतना ही खरीदना है ना, कॉन्स्टेंट है क्वांटिटी, तो दिस इज नोन एज, इसका मतलब इनकम, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी नहीं, इनकम इलास्टिसिटी इज लेस देन वन नहीं, जीरो इनकम इलास्टिसिटी, कॉन्स्टेंट है ना, क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा ना, एक तरह से आप ऐसे बना लो, क्वांटिटी चेंज ही नहीं हो रही, इनकम चाहे जो मर्जी हो। इसके बाद 53, एज द इनकम इंक्रीजेस द कंज्यूमर विल गो इन फॉर सुपीरियर गुड्स, ठीक है सही बात है, एंड कॉन्सिक्वेंटली द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स फॉल, हाँ सही बात है, इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड की डिमांड कम होगी, तो दिस मीन्स इंफीरियर गुड हैव, तो हमें वैसे भी पता है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, इंफीरियर गुड्स की नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है। उसके बाद 54, व्हेन द इनकम इंक्रीजेस द मनी स्पेंट ऑन नेसेसरीज ऑफ लाइफ मे नॉट इंक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन, कह रहे हैं देखो इनकम बढ़ी लेकिन जो हम नेसेसरीज पर खर्चा करते हैं वो जरूरी नहीं उतना ही बढ़े, तो इसका मतलब कि इनकम में परिवर्तन ज्यादा है लेकिन नेसेसरीज की जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी में परिवर्तन थोड़ा सा कम है, उतना नहीं है, तो इससे क्या दर्शा रहा है बताओ, इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि इनकम तो ज्यादा बढ़ रही है परंतु क्वांटिटी में चेंज कम है, तो इसका मतलब इनकम इलास्टिसिटी कैसी होगी, इनकम इलास्टिसिटी कैसी होगी, लेस देन वन, हाँ जीरो नहीं होगी, जीरो का तो मतलब होता कि भाई क्वांटिटी चेंज ही ना हो तो आप कहते जीरो होगी, तो क्वांटिटी थोड़ी सी तो बढ़ी ना, तो अगर क्वांटिटी का चेंज कम है और इनकम का चेंज ज्यादा है तो आप इसको क्या कह सकते हो कि इनकम इलास्टिसिटी वन से छोटी है ना, इलास्टिसिटी लेस देन वन है, सिंपल फंडा ध्यान रखना, क्वांटिटी के परिवर्तन से इलास्टिसिटी का आंसर आप सीधा सीधा देख सकते हो, क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आ जाए तो इलास्टिसिटी वन से बड़ी, क्वांटिटी में कोई चेंज ना आए तो इलास्टिसिटी जीरो, क्वांटिटी में कम चेंज आए तो इलास्टिसिटी लेस देन वन, क्वांटिटी और बाजू वाले वेरिएबल में बराबर चेंज आए तो इलास्टिसिटी वन बराबर, ठीक है ना, तो क्वांटिटी के चेंज से हमें पता लग जाता है कि इलास्टिसिटी कैसी हो सकती है। 55, लग्जरी गुड्स तो पता ही है हमें, उनकी इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है, हाई, तो सीधा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 56,
ए गुड विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड मोर देन वंस, नॉन ड्यूरेबल है ना, ब्रेड मिल्क ये सब आप एक ही बार कंज्यूम कर पाते हो, फिर उसके बाद दोबारा कंज्यूम नहीं हो पाते, नॉन ड्यूरेबल। उसके बाद 57, रिलेटिव प्राइस इज, तो रिलेटिव प्राइस का मतलब हो गया कि भाई आप किसी एक प्राइस को, किसी एक गुड के प्राइस को दूसरे के प्राइस के साथ कंपेयर कर रहे हो काइंड ऑफ, तो उसको रिलेटिव प्राइस बोल सकते हैं। तो इसका मतलब रेशियो ऑफ वन प्राइस टू अनादर। उसके बाद 58, ए पॉइंट बिलो द बजट लाइन ऑफ कंज्यूमर, भाई अगर कोई पॉइंट बिलो है, बजट लाइन के अंदर है, इसका मतलब आप अपने पूरे पैसे खर्च नहीं कर रहे हो, जितनी आपकी क्षमता है आप उससे कम खर्चा कर रहे हो। तो ऐसी अंग्रेजी कहां लिखी है, बी, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच कॉस्ट लेस देन द कंज्यूमर इनकम, तो आप अपनी इनकम से कम खर्च कर रहे हो। उसके बाद 59, चलो डायरेक्ट हो गया, डिमांड इज, डिमांड क्या है, डिजायर फॉर ए कमोडिटी गिवन इट्स प्राइस एंड दोज ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, नहीं, द एंटायर रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ द गुड, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। हाँ यही है, बाकी विलिंगनेस टू पे इफ इनकम इज लार्जर नहीं, और एबिलिटी टू पे नहीं। तो डिमांड क्या है, यही है क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस का रिलेशन, अगर बाकी सब चीजों को हम कॉन्स्टेंट रख दें तो। उसके बाद 60, सपोज द पोटैटोज हैव नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, बस वेरी गुड, तो पता चल गया इनकम इलास्टिसिटी अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब कैसे गुड्स हैं, इनफीरियर गुड्स। उसके बाद 61, द प्राइस ऑफ टोमेटो इंक्रीजेस, तो भाई टमाटर जो है महंगे हो गए, ठीक है, टमाटर का प्राइस बढ़ गया, एंड पीपल बाय टमाटो प्यूरी, अब लोग टमाटर प्यूरी खरीद रहे हैं, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, टमाटो और टमाटो प्यूरी ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, है ना, आपकी मम्मी को पता होगा जब टमाटर महंगे हो जाते हैं फिर वो सब्जियों में टमाटर नहीं डालती मम्मी, फिर टमाटो प्यूरी का इस्तेमाल करना शुरू करती है, क्योंकि टमाटो प्यूरी फिर सस्ती पड़ती है और बच्चे को बेवकूफ बनाना आसान हो जाता है रंग वही लाल आएगा सब्जी में, तो टमाटर और टमाटो प्यूरी जो है ये सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। तो अगर अब टमाटर महंगे हो गए, मतलब प्राइस टमाटर का ज्यादा हो गया, तो टमाटो प्यूरी की डिमांड और बढ़ जाएगी, मतलब लिख लेते हैं बात, डिमांड ऑफ टमाटो प्यूरी बढ़ जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो कह रहा है यू इन्फर दैट टमाटो प्यूरी एंड टमाटोज आर, तो वो तो हमने कर ही लिया, सब्स्टिट्यूट गुड्स सी। उसके बाद जी 62, चिकन एंड फिश आर सब्स्टिट्यूट, ठीक है, वो इस बार बता रहा है कि चिकन और फिश सब्स्टिट्यूट है, इफ प्राइस ऑफ चिकन इंक्रीज, सिंपल क्वेश्चन, तो फिश की डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो कौन सा ऑप्शन बन गया, बी, तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और फिश का डिमांड कर राइट शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद 63, पोटैटो चिप्स एंड पॉपकॉर्न आर सब्स्टिट्यूट्स, तो चिप्स और पॉपकॉर्न जो है सब्स्टिट्यूट्स हैं, ए राइज इन द प्राइस ऑफ पोटैटो चिप्स, अगर पोटैटो चिप्स के प्राइस बढ़ गए, विल डैश द डिमांड फॉर पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न की डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड में डायरेक्ट रिलेशन हो गया, एंड द क्वांटिटी ऑफ पॉपकॉर्न सोल्ड विल, और पॉपकॉर्न जो बेचे जा रहे हैं उनकी क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि क्योंकि डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, तो प्रोड्यूसर भी सोचेगा कि अब मैं भी ज्यादा बना के बेचूं, ठीक है ना। उसके बाद 64, इफ द प्राइस ऑफ ऑरेंज जूस इंक्रीजेस, संतरे का जूस जो है वो महंगा हो गया, द डिमांड फॉर एप्पल जूस विल, सही, तो ऑरेंज जूस महंगा हो गया तो लोग कहेंगे कि चलो एप्पल जूस ज्यादा पी लेते हैं, तो एप्पल जूस की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज दे आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। उसके बाद 65, एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर कंप्यूटर्स अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, कह रहा है अगर कंप्यूटर्स की डिमांड बढ़ जाए तो आप जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो देख सकते हो
मान लो ये मैं मार्केट बना देता हूं, ये हो गया सप्लाई कर्व, ये हो गया डिमांड कर्व। तो अगर कंप्यूटर की डिमांड बढ़ा देते हैं हम, तो यानी कि उसको राइट शिफ्ट कर देता हूं डिमांड को, तो डिमांड के राइट शिफ्ट होते ही बाजार का प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा, और बाजार में जो पहले क्वांटिटी थी वो भी टेक्निकली बढ़ जाएगी। तो कंप्यूटर के डिमांड के बढ़ने से प्राइस और क्वांटिटी कंप्यूटर्स के बढ़ जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी, डोंकी। हाँ, इंक्रीज इन द प्राइस एंड नंबर ऑफ कंप्यूटर बॉट। नंबर ऑफ कंप्यूटर बॉट का मतलब सरल भाषा में क्वांटिटी ही है ना, क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो प्राइस भी बढ़ जाएगा और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी कंप्यूटर्स की डिमांड बढ़ने से, नेचुरल है वे। तो उसके बाद 66, व्हेन टोटल डिमांड फॉर ए कमोडिटी हुज प्राइस हैज फॉलन इंक्रीजेस। कह रहा है अगर किसी कमोडिटी जिसका प्राइस कम हुआ है और उसकी डिमांड अगर बढ़ रही है, तो इट इज ड्यू टू, ये किसकी वजह से हो रहा है? पहले भी आया था क्वेश्चन प्राइस इफेक्ट, क्योंकि डिमांड किसकी वजह से चेंज हो रही है, प्राइस की वजह से चेंज हो रही है, तो इस पर परिवर्तन को हम कह देंगे प्राइस इफेक्ट। अगर इनकम की वजह से चेंज हो रही होती तो इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट के प्राइस की वजह से चेंज हो रही होती तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, है ना, तो पता लग जाता। उसके बाद 67, विद द फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, अगर कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो कंज्यूमर रियल इनकम इंक्रीजेस। हाँ, क्योंकि रियल इनकम का मतलब होता है परचेजिंग पावर, तो दाम कम हो जाने से कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, तो ये तो ठीक है। बी कह रहा है कंज्यूमर रियल इनकम डिक्रीजेस, ये गलत हो गया। देयर इज नो चेंज इन रियल इनकम, ये भी गलत हो गया, तो ए ही सही हो गया। इसके बाद 68, विद एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ डायमंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑल्सो इंक्रीज। डायमंड महंगा तो उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। ये राजीव को भी पता है, कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स, तो उन केस में एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का, तो उसमें ऐसा ही होता है। उसके बाद 69, एन एग्जाम्पल ऑफ गुड दैट एग्जिबिट डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशन, मतलब कि ऐसे गुड्स कौन से हैं जिनका प्राइस भी बढ़ता है और उनकी डिमांड भी बढ़ती है, नहीं उनकी डिमांड, उनका प्राइस उनकी डिमांड। तो ऐसा एक आदमी ने चेक करा था बिहेवियर, सर रॉबर्ट गिफन ने, कि भाई प्राइस भी बढ़ रहा था ब्रेड का और लोग डिमांड भी ब्रेड की बढ़ा रहे थे, तो जिस गुड का प्राइस बढ़े उसी गुड की डिमांड बढ़े, तो ऐसे गुड्स को कहते हैं गिफन गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में प्राइस किसी और का होता है, डिमांड किसी और की होती है, मतलब वो अलग कहानी हो गई। वो तो होता प्राइस पेप्सी का बढ़ रहा है और डिमांड कोक की बढ़ रही है, तो वो आप सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं, लेकिन वो यहां पे ये नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ गुड्स दैट एग्जिबिट डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशन, तो मतलब वही गुड्स की प्राइस बढ़ रही है और वही गुड की डिमांड बढ़ रही है, तो वो डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशन शो कर रहे हैं। इसके बाद 70, इन इकोनॉमिक्स व्हेन द डिमांड फॉर ए कमोडिटी इंक्रीजेस विद फॉल इन इट्स प्राइस, कह रहा है अगर प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ जाए तो उसको आप क्या कहते हो? एक्सपेंशन, है ना, वो तो सिंपल हो गया। उसके बाद 71, द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए गुड और सर्विस इज द अमाउंट दैट, तो क्वांटिटी सप्लाइड की परिभाषा पूछ रहा है कि क्या होती है, इज एक्चुअली बॉट, तो ये तो यहीं गलत हो गया। प्रोड्यूसर विश दे कुड सेल एट ए हायर प्राइस, ये यहीं गलत हो गया। प्रोड्यूसर प्लान टू सेल ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट ए गिवन प्राइस, यही सही लग रहा है। और डी में लिखा है पीपल आर विलिंग टू बाय, यही यहीं गलत हो गया, क्योंकि सप्लाई की बात हो रही है तो बाय बाय वाला पॉइंट तो आएगा ही नहीं। उसके बाद 72, सिंपल सप्लाई इज सी, जैसे डिमांड में था रिलेशन ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस। उसके बाद 73, इन बुक मार्केट द सप्लाई ऑफ बुक विल डिक्रीज, कह रहा है सप्लाई जो है वो बुक की डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज का मतलब है सप्लाई कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा
इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग अकर्स एक्सेप्ट, मतलब सिवाय किसके, तो आपको यह बताना है कि किससे लेफ्टवर्ड शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो डिक्रीज इन नंबर ऑफ बुक पब्लिशर, अब पब्लिश बुक पब्लिशरों की संख्या अगर कम हो गई तो किताबों की भी सप्लाई अब कमी होगी, कमी किताबें बाजार में आएंगी, तो इससे तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। बी में कह रहे डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द बुक, बुक के प्राइस कम हो गए, तो बुक के प्राइस कम होने से तो कॉन्ट्रैक्शन होगा बुक की सप्लाई का, क्योंकि बुक का ही प्राइस अगर कम कर दोगे तो बुक की ही क्वांटिटी कम हो जाएगी, जिसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो इससे तो फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट नहीं हो रहा, इससे तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो यही वैसे सही आंसर बन गया, क्योंकि उसने पूछा था किससे लेफ्टवर्ड शिफ्ट नहीं होगा, तो बी से लेफ्टवर्ड शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि बी से तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना, क्योंकि डिक्रीज इन प्राइस ऑफ बुक। बाकी सी डी पढ़ लो, उससे भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट ही होगा। इंक्रीज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ बुक, प्रोड्यूसर को लग रहा है भविष्य में किताबें और महंगी होंगी, तो फिर तो वो अभी कम बेचेगा, तो अभी वो अपनी सप्लाई क्या करेगा, कम कर देगा, तो देखो इससे भी सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई। और डी में लिखा है इंक्रीज इन इनपुट, भाई किताब बनाने में जो पेपर का इस्तेमाल हो रहा है, इनपुट अगर महंगा हो गया तो इससे भी सप्लाई कम हो जाएगी, तो देखो सब पॉइंटों से सप्लाई लेफ्ट शिफ्ट होगी, लेकिन बी पॉइंट से सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होगी। उसके बाद जी 74, तो बच्चे दिमाग में कर सकते हैं, प्राइस बढ़ा 10% और सप्लाई बढ़ी 25%, तो सिंपल हो गया 2.5 पॉजिटिव, है ना, क्योंकि दोनों बढ़े, डायरेक्ट रिलेशन। उसके बाद 75, एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेलर ऑफ बाइक, तो सिंपल है, अगर सेलर्स की संख्या बढ़ गई तो सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो सप्लाई ऑफ बाइक्स विल इंक्रीज। उसके बाद 76, इफ द सप्लाई ऑफ बोटल्ड वाटर डिक्रीजेस अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, कह रहा है अगर सप्लाई कम हो गई बोटल्ड वाटर की, तो एक बार सप्लाई कम कर देता हूं हरे रंग से, सप्लाई कर्व को लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, सप्लाई कर्व को क्या कर दिया, लेफ्ट शिफ्ट। तो ऐसा करने से आपको पता लग गया प्राइस बढ़ा और क्वांटिटी कम, तो इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब इंक्रीज एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज, तो ऐसा ऑप्शन देखने जिसमें इंक्रीज कॉमा डिक्रीज दे रखा हो, ए ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद 77, डिक्रीज इन द डिमांड फॉर कैमरा, कह रहा है कैमरास की डिमांड डिक्रीज हो गई, तो करके देख लेते हैं फटाफट, अब इस बार डिमांड डिक्रीज हो गई तो डिमांड कर्व को लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं हरे रंग से, तो इससे प्राइस भी कम और क्वांटिटी भी कम, तो कौन सा आंसर हो गया, डिक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी, तो नंबर का मतलब क्वांटिटी। उसके बाद जी 78, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंफीरियर गुड इज या आर फॉल्स, इंफीरियर गुड के बारे में क्या गलत है ये बताना है। नंबर वन, इंफीरियर गुड्स आर दोज दैट वी विल नेवर बाय नो मैटर हाउ चीप दे आर, तो ये तो गलत है, कह रहे हम इंफीरियर गुड कभी भी नहीं खरीदेंगे, तो ऐसा तो नहीं है, खरीदना भी पड़ सकता है, कभी आपको भगवान ना करे आपकी इनकम कम रह गई तो फिर आप इंफीरियर गुड ही खरीदोगे, तो ये बात तो गलत हो गई। सेकंड में कह रहे इंफीरियर गुड्स आर दोज दैट वी बाय मोर, हम ज्यादा खरीदते हैं इफ वी बिकम पुअरर, जब हम और गरीब होते हैं, तो ये सही कह रहा है। थर्ड में कह रहे इंफीरियर गुड्स आर दोज दैट वी बाय मोर इफ वी बिकम रिचर, तो ये तो गलत हो गई बात, है ना, ये तो गलत हो गया, तो वन और थ्री गलत है, तो ए ऑप्शन बन गया हमारा आंसर, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था हमें गलत बताने हैं, तो वन और थ्री जो है वो गलत हो गए, ठीक है। इसके बाद ये तो डायरेक्ट है जी, कंफर्ट लाइज बिटवीन नेसेसरीज एंड
लग्जरीज, है ना। तो नेसेसरीज और लग्जरीज के बीच वालों को हम कंफर्ट कहते हैं। नोट्स में शायद पहला ही दूसरा ही पॉइंट है। उसके बाद 80, ये भी सिंपल, वेरी शॉर्ट पीरियड किसे कहते हैं जिसमें सप्लाई कैन नॉट बी चेंज। भाई आपके पास 2 सेकंड का टाइम है तो उसमें प्रोड्यूसर कहता है मैं सप्लाई चेंज नहीं कर सकता। उसके बाद 81, व्हेन द सप्लाई कर्व मूव्स टू लेफ्ट, सप्लाई कर्व कह रहा है अगर लेफ्ट में मूव करेगा तो इसका मतलब है लेसर क्वांटिटी इज सप्लाइड एट ए गिवन प्राइस। तो यही है मतलब, क्योंकि क्वांटिटी कम हो जाएगी और प्राइस तो गिवन मतलब सेम ही रहता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट में, तो प्राइस तो सेम रहता है, बस क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाएगी। उसके बाद 82, व्हेन द सप्लाई कर्व मूव्स टू राइट, ये भी सिंपल हो जाएगा, इसमें क्वांटिटी बढ़ जाएगी प्राइस विल रिमेन सेम। तो कौन सा हो गया, सप्लाई इंक्रीजेस एंड मोर क्वांटिटी सप्लाइड एट गिवन प्राइस। उसके बाद 83, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज, ये भी सिंपल हो गया कि क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इट्स प्राइस। तो ये तो डायरेक्ट थे। उसके बाद 84, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये तो राजीव भी बता रहे हैं आंसर। उसके बाद 85, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज जीरो मींस, अगर इलास्टिसिटी जीरो है तो इसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, क्योंकि इसका मतलब क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो ये कितने आसान क्वेश्चन आ गए बीच में। 86, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन वन, तो क्या सिखाया कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्वांटिटी में परिवर्तन ज्यादा होगा प्राइस में कम होगा, तो ऐसी अंग्रेजी कहां लिखी है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी इज मोर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। उसके बाद 87, इफ द क्वांटिटी सप्लाइड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रिलेटिव चेंज इन प्राइस, दोनों बराबर हैं वन, तो देखो राजीव को भी पता है अब तो। उसके बाद 88, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 6 to 4, प्राइस जो है वो 6 से 4 हो गया, एंड क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस फ्रॉम 10 से 15, क्वांटिटी डिमांडेड 10 से 15 हो गई, फाइंड द कोफिशियंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। तो ये निकाल लोगे अपने आप, बताओ Q1 माइनस Q0 अपॉन P1 माइनस P0 इंटू P0 अपॉन Q0, तो 15 माइनस 10 बटे 4 माइनस 6 इंटू 6 बटे 10। एक बार इसको सॉल्व करना, -1.5। ठीक है, तो -1.5। ठीक है, तो क्वेश्चन ने कोफिशियंट पूछा, तो इसका मतलब है कि अब हम इग्नोर कर देंगे माइनस साइन को, तो आपने आंसर को मैं चेंज करके ए कर लेते हैं, तो आ रहा है वैसे -1.5, वो हो गया एब्सोल्यूट इलास्टिसिटी, लेकिन वो खाली कोफिशियंट पूछ रहा है, तो हम आंसर कोफिशियंट के फॉर्म में देंगे, तो यानी 1.5, तो फिर हम 1.5 को टिक कर लेते हैं। इसके बाद 89, द सप्लाई फंक्शन इज गिवन एज, ठीक है ये दे रखा है सप्लाई फंक्शन, फाइंड द इलास्टिसिटी यूजिंग पॉइंट मेथड व्हेन प्राइस इज 15, तो प्राइस 15 दे रखा है, तो आप अगर पी की जगह 15 पुट कर दो तो क्वांटिटी क्या आ जाएगी, -100 + 150, 50। तो मैं नॉन मैथ्स वाले बच्चों के हिसाब से कर रहा हूं ताकि सभी को अच्छा लगे, तो आप लेट कर लो P1, कुछ भी लेट कर सकते हो, मैं 25 मान लेता हूं, तो अब आप उसी फंक्शन में 25 पुट करो तो क्वांटिटी क्या आएगी, P की जगह 25 पुट करोगे तो -100 + 250, ये हो गया 150, यही आएगी।
अब मैं फॉर्मूला लगा देता हूं इलास्टिसिटी का, तो उसने बोला तो है कैसे करने को, लेकिन हम तो कैसे भी कर सकते हैं, तो मैंने इस पे चर्चा करी थी नॉन मैथ्स वाले बच्चों के लिए आसान तरीका का, जिसमें डिफरेंशिएट आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसको सॉल्व करके देख लो क्या आ रहा है। 100/10 इंटू 15/50, तो ये कट गया, ये कट गया, 3 आ रहा है, ठीक है ना। तो 3 आ जाएगा आपका आंसर। बाकी मैथ्स वाले को भी अगर जिज्ञासा है जानने की, तो वो इस गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दे, तो डिफरेंशिएट करेगा तो 10 बचेगा, और फिर वो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगा सकता है, ये जो डिफरेंशिएशन आया इनटू पी बाय क्यू। तो डिफरेंशिएशन 10 है और पी आपको 15 दे रखा था और क्यू आपका 50 आया था, तो 10 इंटू 15/50 करोगे तो आपका भी आंसर 3 आ जाएगा। तो चाहे गणित का विद्यार्थी हो, चाहे मेरी तरह कोई नॉन गणित विद्यार्थी हो, दोनों विद्यार्थियों का आंसर 3 आ जाएगा। अब नहीं है ना मैथ्स, चलो इसके बाद है 90। द फिगर बिलो शोज द बजट कॉन्स्ट्रेंट ऑफ ए कंज्यूमर विद इनकम ऑफ 900 रुपए। कंज्यूमर की जेब में 900 रुपए है और वो दो कमोडिटीज कंज्यूम कर सकता है, आइसक्रीम या चॉकलेट। अच्छा, अब अगर आप चॉकलेट पर फोकस करो तो वहां पर वैल्यू या यूनिट्स जो है 90 दे रखे हैं। इसका मतलब है कि भाई अगर वो अपने सारे रुपए चॉकलेट खरीदने पे खर्च करता है तो वो 90 चॉकलेट्स खरीद सकता है। तो आप इससे ये पता लगा सकते हो कि एक चॉकलेट जो है वो कितने की होगी। तो भाई 900 रुपए उसकी जेब में है और उसने 90 चॉकलेट्स खरीदी हैं मैक्सिमम, तो इसका मतलब एक चॉकलेट 10 रुपए की आती होगी, तभी वो 90 चॉकलेट्स खरीद रहा है। और इसी तरह आप आइसक्रीम में देख सकते हो, यूनिट्स आपको 45 दे रखे हैं मैक्सिमम बजट के हिसाब से, तो इसका मतलब एक आइसक्रीम कितने की आती होगी, 20 रुपए की, क्योंकि 900 रुपए आपकी जेब में और आपने 45 आइसक्रीम्स खरीदी हैं मैक्सिमम, या खरीद सकते हो आप मैक्सिमम, तो इसका मतलब एक आइसक्रीम 20 रुपए की आती होगी। तो वो पूछ रहा है प्राइजेस ऑफ द टू कमोडिटीज रेस्पेक्टिवली। तो रेस्पेक्टिवली का मतलब है जिस ऑर्डर में सवाल ने दिया है, पहले आइसक्रीम दी है और फिर चॉकलेट दी है, तो पहले आइसक्रीम का भाव बताओ कितना है, 20, और फिर चॉकलेट का, तो 20 और 10। तो कई बच्चे जज्बात में ए ऑप्शन टिक करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो बी ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि उसने रेस्पेक्टिवली दिया है, तो उसकी सवाल की लैंग्वेज के हिसाब से हम बताएंगे पहले आइसक्रीम फिर चॉकलेट। उसके बाद जी 91। नो मैटर व्हाट द प्राइस ऑफ कॉफी इज, प्राइस कॉफी का कुछ भी हो, यानी प्राइस बढ़े या घटे, अर्जुन हमेशा 100 रुपए पर वीक का ही टोटल खर्चा करता है, तो टोटल एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट। बताओ राजीव, प्राइस के बढ़ने घटने पर अगर एक्सपेंडिचर सेम रहता है तो इलास्टिसिटी क्या सिखाई थी, 1। तो किस में दे रखा है ऐसा ऑप्शन, डी, अर्जुन्स डिमांड फॉर कॉफी इज यूनिट इलास्टिक, क्योंकि यूनिट इलास्टिक का मतलब ही होता है 1, ठीक है। उसके बाद 92। इफ फर्म लर्न्स दैट द ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ ए प्रोडक्ट इट मैन्युफैक्चर्स इज 3.5। एक फर्म ने देखा कि उसकी प्राइस इलास्टिसिटी अपने प्रोडक्ट की 3.5 है, तो मतलब कह सकते हैं इलास्टिसिटी सप्लाई की काफी ज्यादा है, हाई है ना, 3.5 है। व्हाट वुड बी द करेक्ट एक्शन फॉर द फर्म टू टेक इफ इट विशेज टू रेज इट्स टोटल रेवेन्यू। तो जब इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होती है तो प्राइस और रेवेन्यू ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो अगर रेवेन्यू को मुझे बढ़ाना हो तो प्राइस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तभी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बात सही बनेगी। तो मेरा आंसर हो जाएगा कि प्राइस कम कर दो, तो ऐसा कहां दे रखा है, ए में, लोअर द प्राइस, कह रहा है क्योंकि गुड की डिमांड इलास्टिक है, तो प्राइस को कम करना पड़ेगा ताकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भागे
और ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने से रेवेन्यू बढ़ जाएगा। उसके बाद 93, एट हायर प्राइजेस पीपल डिमांड मोर ऑफ ए सर्टेन गुड। प्राइस बढ़ने पर भी लोग उस गुड की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, नॉट फॉर देयर बर्थ बट फॉर देयर प्रेस्टीज वैल्यू। सही, तो इसको बोलते हैं वेबलेन इफेक्ट। सिंपल हो गया। उसके बाद जी 94, इफ द प्राइस ऑफ एसी इंक्रीजेस फ्रॉम 30,000 टू 30,010, एसी का प्राइस मात्र 10 रुपए बढ़ा रहे हैं हम, पॉइंट इलास्टिसिटी है ना, पहले भी आया था, बिल्कुल सही। तो ऐसे में हम कौन सा मेजर यूज कर लेते हैं, पॉइंट इलास्टिसिटी, क्योंकि प्राइस में चेंज जो है वो बहुत ही कम है। इसके बाद 95, गिवन द फॉलोइंग फोर पॉसिबिलिटीज विच वन विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन टीई। कह रहा है किससे टीई जो है वो बढ़ेगा। डिमांड इज यूनिट इलास्टिक, कह रहा है अगर डिमांड यूनिट इलास्टिक है तो इससे तो टीई सेम रहता है, तो ये तो गलत हो गया। बी में कह रहा है डिमांड इज इलास्टिक एंड प्राइस राइजेस, तो जब डिमांड इलास्टिक होती है तो प्राइस और टीई का ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने का बिहेवियर होता है, तो ये भी गलत हो गया। सी में कह रहा है डिमांड इज इनइलास्टिक एंड प्राइस फॉल, तो डिमांड इन इलास्टिक में सेम डायरेक्शन में जाते हैं वो, तो प्राइस कम होने पर टी भी कम होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑटोमेटिकली एक ही आंसर बच गया, डिमांड इज इन इलास्टिक एंड प्राइस राइजेस, तो इसमें वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो प्राइस के बढ़ने से टीई भी बढ़ जाएगा। इसके बाद 96, द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू राइट। सिंपल है, राइटवर्ड शिफ्ट सप्लाई में कब होता है, बिकॉज ऑफ इंप्रूव टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेहतर होती है तो हमने लिख रखा है सप्लाई विल शिफ्ट टू द राइट। बाकी कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से तो सप्लाई कम होगी, टैक्स बढ़ने से भी सप्लाई कम हो जाएगी, तो यहां पे ऑल ऑफ द अबव नहीं चलेगा। कई बच्चों का जिनको आदत होती है ऑल ऑफ द अबव टिक लगाने की। इसके बाद 97, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो बताओ राजीव इनमें से कौन सा सही है। व्हेन द प्राइस फॉल द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल, ये तो गलत है। सीजनल चेंजेस डू नॉट अफेक्ट सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी, ये भी गलत है। भाई सर्दियों का मौसम आया तो आइसक्रीम की सप्लाई कम कर देगा प्रोड्यूसर, गर्मियों का मौसम आया तो स्वेटर की सप्लाई कम कर देगा प्रोड्यूसर, तो सीजनल चेंज जो है वो सप्लाई को अफेक्ट करता है। टैक्सेस एंड सब्सिडीज डू नॉट इफेक्ट सप्लाई, ये भी बात गलत है, क्योंकि टैक्सेस और सब्सिडीज तो अफेक्ट करते हैं राजीव सप्लाई को। टैक्स बढ़ेगा तो सप्लाई कम, सब्सिडी बढ़ेगी तो सप्लाई ज्यादा। डी में कह रहा है विद लोअर कॉस्ट इट इज प्रॉफिटेबल टू सप्लाई मोर ऑफ द कमोडिटी, ये बात सही है, क्योंकि कॉस्ट कम होती है तो हम सप्लाई को बढ़ा देते हैं। उसके बाद 98 में कह रहा है इफ द डिमांड इज मोर देन सप्लाई, अगर डिमांड सप्लाई से ज्यादा है मतलब एक्सेस डिमांड है, तो ऐसे में जो प्राइस पर प्रेशर पड़ेगा तो प्राइस क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे प्राइस, जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से तो प्राइस बढ़ जाएंगे, मतलब प्राइस पे प्रेशर अपवर्ड होगा, प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद 99, द सप्लाई कर्व फॉर हाईली पेरिशेबल कमोडिटीज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट पीरियड इज, पढ़ रखा है हमने, बिल्कुल सही। तो वेरी शॉर्ट पीरियड कौन सा होता है जिसमें सप्लाई कैन नॉट बी चेंज, तो अगर सप्लाई कैन नॉट बी चेंज हम कहते हैं तो इसका मतलब सप्लाई जब बदल ही नहीं सकती, तो आंसर हो गया परफेक्टली इनइलास्टिक, क्योंकि इसका मतलब सप्लाई कैसी है चेंज ही नहीं हो सकती ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। उसके बाद 100, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सप्लाई इज फ्लो कॉन्सेप्ट, तो हम सप्लाई को क्या कहते हैं फ्लो, तो ये कीवर्ड मार्क करा था। उसके बाद 101, द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन राई ब्रेड एंड होल व्हीट ब्रेड, तो पहले तो ये बताओ भाई राई ब्रेड और ये होल व्हीट ब्रेड किस प्रकार के गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, है ना, क्योंकि दोनों ही ब्रेड्स हैं।
तो ऐसे सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है? पॉजिटिव. 102. द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन पर्सनल कंप्यूटर और उसके अंदर यूज होने वाला सॉफ्टवेयर, ये दोनों कैसे गुड्स हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, तो उनकी नेगेटिव. सिंपल. उसके बाद क्रॉस इलास्टिसिटी ब्रेड और डीवीडी, ब्रेड और डीवीडी के बीच कैसा रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है, तो जीरो. ठीक है, सिंपल. उसके बाद 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो हमको बताना है कि क्या सही है. विद द हेल्प ऑफ स्टेटिस्टिकल टूल्स द डिमांड कैन बी फोरकास्टेड विद परफेक्ट एक्यूरेसी, है ना, परफेक्ट एक्यूरेसी से नहीं हो सकता. द मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ ए कमोडिटी द मोर इलास्टिक इज डिमांड, सही है, क्योंकि हमने फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी में पढ़ा था, जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट होते हैं उतनी ही ज्यादा इलास्टिसिटी भी होती है. उसके बाद 105, सपोज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ एजुकेशन इन प्राइवेट स्कूल इन इंडिया इज 3.6, तो इनकम इलास्टिसिटी जो है साहब पॉजिटिव है और वन से बहुत बड़ी है, तो ये कौन से गुड की पहचान थी? लग्जरी. तो प्राइवेट स्कूल में जो आप पढ़ाई करते हो वो एक लग्जरी है. इसके बाद 106, इफ द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन अपकमिंग क्रिकेट मैच डिसाइड टू इंक्रीज द टिकट प्राइस, ऑर्गेनाइजर सोच रहे हैं प्राइस बढ़ाने की इन ऑर्डर टू रेज इट्स रेवेन्यू, कह रहे हैं हमारा रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, तो भाई प्राइस और रेवेन्यू दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बताओ राजीव इलास्टिसिटी क्या होती है इसमें? लेस देन वन. तो लेस देन वन की अंग्रेजी बताओ, इलास्टिसिटी लेस देन वन की अंग्रेजी, मतलब बड़ी अंग्रेजी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कम होगा थोड़ा सा, है ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कम होगा, लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो बी में देखो इंक्रीज इन टिकट रेट जो है वो कह रहा है ज्यादा है, और परसेंटेज चेंज इन जो टिकट सोल्ड है मतलब जो क्वांटिटी है वो कम है, तो बी अंग्रेजी जो है वो आपको इलास्टिसिटी लेस देन वन की अंग्रेजी ही दे रखी है. उसके बाद जी 107, डेटा ऑन प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स फॉर द पास्ट 2 ईयर्स शोड दैट डिस्पाइट स्टेबल प्राइसेस देयर इज ए सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन द आउटपुट ऑफ कैबेज लीडिंग टू लोअर सप्लाई इन टू द मार्केट. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पॉसिबली द रीजन, तो कह रहा है कि पिछले 2 साल से हम ये देख रहे हैं कि स्टेबल प्राइसेस होने के बावजूद भी बंद गोभी की सप्लाई जो है वो कम हो रही है, क्योंकि आउटपुट उसका कम हो रहा है, उत्पादन कम हो रहा होगा बाजार में. तो कह रहे हैं कि भाई इसका पॉसिबल रीजन आपको क्या लग रहा है? इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉलीफ्लावर विच इज इक्वली प्रिफर्ड बाय कंज्यूमर, अनाउंसमेंट ऑफ ए सब्सिडी बाय गवर्नमेंट ऑन वेजिटेबल प्रोडक्शन, तो सब्सिडी देने से तो उल्टा सप्लाई बढ़नी चाहिए थी, तो ये तो पॉइंट नहीं होगा. मोर फार्मर्स प्रोड्यूसिंग कैबेज, और बढ़नी, इससे भी बढ़नी चाहिए कैबेज की सप्लाई. सब्सटेंशियल डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कैप्सिकम, तो कैप्सिकम और कैबेज का तो कोई रिलेशन होता भी नहीं है वैसे तो टेक्निकली, तो कॉलीफ्लावर जो फूल गोभी होती है और बंद गोभी होती है उसमें फिर भी आप कह सकते हो कि कैसा रिलेशन होता है, कैसे गुड्स हैं ये, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं. तो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉलीफ्लावर, तो कॉलीफ्लावर के प्राइस में किसी चेंज आने की वजह से मैं मान सकता हूं कि हो सकता है कैबेज की सप्लाई कम हो गई होगी, क्योंकि कैबेज की डिमांड अकॉर्डिंगली मान लो कम हो गई होगी, तो इसीलिए उसकी सप्लाई भी कम हो गई होगी. तो हालांकि डिक्रीज इन प्राइस होना चाहिए था, लेकिन चलो फिर भी मतलब बी सी और डी जो है वो एलिमिनेट हो गए, तो हम एलिमिनेशन मेथड लगा के कह सकते हैं ए फिर भी आंसर ज्यादा बेहतर होगा बी सी डी की अपेक्षा में. उसके बाद जी 108, द फॉलोइंग डायग्राम शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड एक्स
एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड वाई. तो भाई ये गुड वाई है, दूसरा गुड है, मान लो ये गुड है कोक, और एक्स एक्सिस पे प्राइस ऑफ गुड एक्स है, तो ये मान लो पेप्सी, और इनका अपवर्ड स्लोपिंग कर्व दे रखा है, इसका मतलब इनका रिश्ता डायरेक्ट वाला है. तभी मैंने कोक और पेप्सी लिखा, क्योंकि डायरेक्ट रिश्ता किस में होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में होता है. तो बस हमारा आंसर हमारे सामने है. तो गुड एक्स और गुड वाई क्या है? क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होने के लिए तो क्रॉस इलास्टिसिटी बिल्कुल इंफिनिटी होनी चाहिए, तो वो तो नहीं है. तो ये डिमांड कर्व अगर आप देखोगे तो फ्लैटर है, तो आप इसकी इलास्टिसिटी को वन से बड़ा तो कह सकते हो लेकिन इन्फिनिटी नहीं कह सकते. तो इसीलिए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो नहीं होंगे, ये कैसे सब्स्टिट्यूट होंगे? क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होंगे. अगर यही इनकी इलास्टिसिटी मान लो ऐसी दे रखी होती, थोड़ा सा लेस देन वन टाइप्स ऐसा दे रखा होता, मान लो इनकी इलास्टिसिटी ऐसी दे रखी होती, तो मैं इनको कैसा सब्स्टिट्यूट कहता? रिमोट सब्स्टिट्यूट या नॉट सो क्लोज सब्स्टिट्यूट, है ना. अच्छा चलो, ऐसी एक और दिमाग में आ गया. मान लो यही इनका रिश्ता नेगेटिवली स्लोप दे रखा होता ऐसा, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो जाते, लेकिन नॉट सो क्लोज वाले कॉम्प्लीमेंट्री. और यही इनका रिश्ता ऐसे तरह से दे रखा होता, तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हाई वाले हो जाते, क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप्ड है और गहरा रिश्ता दर्शा रहा है. तो ये अकॉर्डिंगली आंसर बन जाता अगर क्वेश्चन पूछता तो. उसके बाद जी 109, द डायग्राम गिवन बिलो शोज. तो ये डायग्राम क्या दिखा रहा है? डिमांड कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, D1 था D2 हो गया. तो इसकी अंग्रेजी कहां है? ए चेंज इन डिमांड विच मे बी कॉज्ड बाय राइज इन इनकम. तो ये तो यही गलत, क्योंकि इनकम राइज होने से तो डिमांड बढ़ती, जबकि ऊपर तो डिमांड कम हो रही है, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया. कह रहा शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व कॉज्ड बाय फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड. कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस कम होने से भी डिमांड बढ़ती है, तो ये भी गलत हो गया. सी में कह रहा है चेंज इन डिमांड व्हेन राइज इन इनकम एंड गुड इज इनफीरियर. सही, क्योंकि अगर इनफीरियर गुड के केस में इनकम बढ़ती है तो आप अपने इनफीरियर गुड की डिमांड कम करते हो, तो सी वाली कहानी से डिमांड कम होगी और जो हो भी रही है, तो सी ऑप्शन इसका मतलब सही चीज कह रहा है. उसके बाद 110 में क्या हो रहा है? पहले देखो सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है ना, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज इन सप्लाई. तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स वुड बी ट्रू. तो किससे आपको यह पता लगाना है कि सप्लाई डिक्रीज होगी? ठीक है राजीव, बता सकते हो तुम? इफ फॉल इन द वेज कॉस्ट, कॉस्ट कम हो रही है तो इससे तो सप्लाई बढ़ेगी, गलत. शॉर्टेज ऑफ रॉ मेटीरियल एंड कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इन रॉ मेटीरियल प्राइस, कॉस्ट बढ़ रही है तो इससे सप्लाई कम होगी, तो बी ऑप्शन से ही सप्लाई जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी. ठीक है, उसके बाद 111, द डिमांड कर्व ऑफ ए नॉर्मल गुड हैज शिफ्टेड टू द राइट. ठीक है, तो बना लेते हैं. कह रहे डिमांड कर्व जो है वो राइट में शिफ्ट हो गया नॉर्मल गुड का. ठीक है, विच ऑफ द फोर इवेंट्स वुड हैव कॉज्ड दिस शिफ्ट. कह रहे किसकी वजह से डिमांड राइट में शिफ्ट हुई होगी? फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, तो इससे तो डिमांड भी कम होती है, गलत. फॉल इन द नॉमिनल इनकम, इससे भी डिमांड कम होगी, गलत, है ना, क्योंकि इनकम कम हो गई. फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, सही, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस कम होने से हमारे गुड की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, तो ये ऑप्शन सही है. उसके बाद 112, इफ द रोलर कोस्टर राइड इज ए फंक्शन ऑफ एम्यूजमेंट पार्क विजिट. समझ आई अंग्रेजी? कह रहा है कि भाई अगर रोलर कोस्टर राइड जो है, रोलर कोस्टर राइड इज ए फंक्शन ऑफ एम्यूजमेंट पार्क विजिट, इसका मतलब हो गया कि भाई जो बच्चा घूमने आएगा एम्यूजमेंट पार्क में, वो पापा जिद करेगा पापा से कि मुझे तो रोलर कोस्टर राइड करवाओ,
तो जो भी बच्चा एम्यूजमेंट पार्क घूमने जाएगा वो रोलर कोस्टर राइड भी करेगा। तो इसका मतलब रोलर कोस्टर राइड होगी कि नहीं होगी ये वेरिएबल डिपेंडेंट है किस पर, एम्यूजमेंट पार्क विजिट पर। तो ये वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो गया, भाई जो घूमने आए ना आए वो तो डिपेंड करता है उस आदमी की छुट्टी है या ऑफिस है, लेकिन जो घूमने आएगा वो फिर झूला भी झूलेगा। ठीक है, अच्छा, तो इफ देन इफ द प्राइस ऑफ एम्यूजमेंट एंट्री एम्यूजमेंट पार्क एंट्री फॉल, तो भाई एम्यूजमेंट पार्क की एंट्री का टिकट जो है वो सस्ता हो गया है, तो फिर तो भाई सब चलेंगे घूमने, एम्यूजमेंट पार्क की टिकट एंट्री सस्ती होगी राजीव, तो अभी जा रहे उठ के। तो अब इससे क्या होगा, पढ़ो ऑप्शन कौन सा सही बन रहा है। द डिमांड फॉर रोलर कोस्टर राइड विल राइज एंड द डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट, सही लग रहा है। तो भाई ज्यादा लोग आएंगे पार्क घूमने, और जब पार्क में घूमने ज्यादा लोग आएंगे तो रोलर कोस्टर राइड की भी डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाएगी। राइट वर्ड शिफ्ट ऑन। उसके बाद 113 बढ़िया क्वेश्चन है। इन ए शॉर्ट रन इफ ए शॉर्ट रन सप्लाई कर्व इज प्लॉटेड फॉर द फॉलोइंग टेबल विच प्रेजेंट्स प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ फ्लायर एयरक्राफ्ट्स व्हाट विल बी इट्स शेप। तो भाई आप देखो प्राइस तो बढ़े जा रही है, नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट वही के वही, तो कह रहे बताओ सप्लाई कर्व की शेप कैसी होगी। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि इसमें क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो सेम है, 28 28 28 28 28। उसके बाद 114। द एवरेज इनकम ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ टू सिटीज ए एंड बी एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन डिमांड फॉर टू गुड्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो वो तो अभी देखते हैं, पहले मैं आपको पहले सिटी ए के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहला शहर जो है वो कैसा शहर है, इनकम बढ़ी 12%, ठीक है, तो गुड एक्स की डिमांड भी 6.5% बढ़ गई। तो खाली अगर मैं इतना एनालाइज करूं कि इनकम बढ़ी 12% और गुड एक्स की डिमांड भी बढ़ गई, तो इसका मतलब पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है इनकम के साथ, लेकिन लेस देन वन है, इसका मतलब लेस देन वन है, क्योंकि इनकम में बढ़ोतरी 12 हो रही है लेकिन क्वांटिटी में बढ़ोतरी खाली 6.5 हो रही है। तो मैं मतलब एक्स गुड के लिए ए सिटी में ये कह सकता हूं कि भाई ये पॉजिटिव इनकम रिलेशन तो दिखा रहा है लेकिन लेस देन वन दिखा रहा है, तो ऐसे को क्या बोलते थे, नॉर्मल गुड, है ना। तो गुड एक्स का नेचर जो है वो नॉर्मल है। अच्छा, सिटी बी में भी आप चेक कर सकते हो, इनकम बढ़ रही है 9% लेकिन गुड एक्स की डिमांड जो है वो मात्र 5.5% बढ़ रही है, तो इसका मतलब गुड एक्स का नेचर तो हमको यहां क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये कैसा गुड है, नॉर्मल गुड है, क्योंकि ये इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन शो कर रहा है लेकिन लेस देन वन वाला शो कर रहा है। अच्छा, अब गुड वाई के बारे में चर्चा कर लेते हैं बड़े ध्यान से। सिटी ए में देखो गुड वाई में चेंज नेगेटिव हुआ है, तो सिटी ए के लिए यह गुड वाई इंफीरियर गुड है, जबकि सिटी बी में अभी भी चेंज पॉजिटिव ही हुआ है, हालांकि 1 से कम है, तो सिटी बी के लिए ये गुड नॉर्मल है। तो इसका मतलब ये सिटी ए जो है ये कोई बड़ा शहर होगा, इसीलिए गुड वाई को कुछ नहीं समझ रहे, है ना, ये मतलब अपने आप को हाई फाई समझ रहे हैं, इन्हें गुड वाई जो है लग रहा है तो इन्फीरियर है, जो दूसरे बी शहर को लग रहा है ये तो हमारे लिए नॉर्मल है, मतलब मान लेते हैं कूलर, तो सिटी बी में घरों में कूलर है उनके लिए नॉर्मल बात है, सिटी ए वाले कह रहे हैं तुम्हारे यहां कूलर लगा है उनके लिए इंफीरियर बात है, तो भाई सिटी ए जो है कोई बड़ी सिटी होगी। अब वो कह रहे हैं बताओ ट्रू बात बताओ, बोथ द गुड्स आर नॉर्मल इन बोथ द सिटी, तो नहीं हो, ये तो ए तो गलत हो गया। बी में कह रहे हैं गुड एक्स इज नॉर्मल इन बोथ सिटी, हां गुड एक्स तो दोनों सिटी में नॉर्मल है, गुड वाई इज इंफीरियर इन सिटी ए, है ना, यही सही है, तो ये पता लग गया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। चलो उसके बाद बस लास्ट 6 क्वेश्चन बचे हैं, 115 देख लेते हैं पहले। इफ दिस इज द कंज्यूमर स्पेंडिंग हर एंटायर इनकम एंड कंज्यूमिंग एट पॉइंट बी, अच्छा तो कंज्यूमर जो है वो भी पॉइंट बी पर कह रहा है कंज्यूम कर रही है,
तो आप उसे क्या एडवाइस दोगे? तो अगर आपको याद हो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, पॉइंट बी का मतलब है, अभी एक तरह से ये हाथ का निशान हटा दूं पहले, पॉइंट बी का मतलब है कि वो गुड वाई तो मान लो कंज्यूम कर रही है 100 यूनिट्स, लेकिन गुड एक्स वो कंज्यूम कर रही है मान लो खाली एक यूनिट, मतलब वाई बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रही है वो। क्या मैं सही कह रहा हूं? गुड वाई बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रही है और गुड एक्स तो वो बहुत ही थोड़ा सा कंज्यूम कर रही है। अच्छा, मैथमेटिकली भी अगर आपको याद हो तो बी पॉइंट क्या डिनोट करता है कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बजट लाइन के स्लोप से काफी ज्यादा है इस पॉइंट पर। तो वैसे भी हम क्या सजेस्ट करते हैं इस पॉइंट पर कि कंज्यूमर शुड कंज्यूम मोर गुड एक्स एंड सेक्रीफाइस सम गुड वाई। तो हम कंज्यूमर को कहेंगे कि भाई तुम थोड़ा सा गुड एक्स की तरफ आगे बढ़ो और गुड वाई को थोड़ा कम करो, क्योंकि तुम्हारे पास इतना सारा गुड वाई है, क्या करोगे? और थोड़ा सा गुड एक्स को बढ़ाओ। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? बी, कंज्यूम मोर ऑफ गुड एक्स एंड लेस ऑफ गुड वाई। अच्छा, उसके बाद 116 भी पूछ रहा है वो इसी डायग्राम में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कह रहा ट्रू भी बताओ, द कंज्यूमर इज नॉट मैक्सिमाइजिंग हर यूटिलिटी एट पॉइंट के। कह रहा है अगर कंज्यूमर के पॉइंट पर होता या होती तो वो अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज नहीं कर रही है। तो ये बात तो सही है, क्योंकि के पॉइंट वैसे भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो नहीं होता, तो मैक्सिमम यूटिलिटी का पॉइंट तो नहीं होगा। बी में लिख रहा है द कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हर एंटायर इनकम ऑन बोथ गुड्स। सही, ये इंडिफरेंस कर्व अप्रोच का एनालिसिस का अजम्पशन भी है कि वो अपने पूरे पैसे खर्च करेगी। द कंज्यूमर गेट्स इक्वल प्लेजर एट पॉइंट बी और के। बी और के में बराबर प्लेजर है, सेम है, क्योंकि दोनों सेम आईसी पर ही लाई कर रहे हैं वन पे, तो इसका मतलब तीनों बातें ही सही हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया सही। उसके बाद 117 में कह रहे हैं द इफेक्ट ऑफ ऑन कंज्यूमर सरप्लस ऑफ द फॉल इन प्राइस फ्रॉम ई टू एफ। अगर कंज्यूमर सरप्लस पे पूछ रहे कि क्या प्रभाव पड़ेगा अगर प्राइस ई से एफ हो जाएगा, द फॉल इन प्राइस फ्रॉम ई टू एफ। तो देखो, जैसे पहले ई प्राइस था और ये डिमांड कर्व है, तो कंज्यूमर सरप्लस जो था वो पहले मैं लाल कलर से शेड कर देता हूं, ये एरिया था, है ना। और अगर प्राइस अब कह रहा है वो एफ हो जाए, अगर प्राइस एफ हो जाए तो अब उसके कंज्यूमर सरप्लस को मैं हरे रंग से वर्टिकल लाइन बना देता हूं, अब कंज्यूमर सरप्लस जो है ये हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब पहले कंज्यूमर सरप्लस था वो लाल ट्रायंगल और अब कंज्यूमर सरप्लस है वो हरा ट्रायंगल। क्या मैं सही कह रहा हूं? मतलब मैं तो सही कह ही रहा हूं, क्या आप सही समझ रहे हो कि पहले कंज्यूमर का सरप्लस था लाल ट्रायंगल और अब कंज्यूमर का सरप्लस है हरा ट्रायंगल? ओके, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन पूछ रहा है डिक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस बाय ई एफ जी आर। तो ई एफ जी आर जो है वो तो हो गया ये इतना हिस्सा, देख रहे हो ई एफ जी आर, तो गलत है वैसे। तो टेक्निकली कंज्यूमर सरप्लस अगर मैं देखूंगी कितना बड़ा, तो ई एफ सी आर, तो कंज्यूमर सरप्लस अगर आप ध्यान से देखोगे तो इतना पोर्शन जो मैं काले रंग का बना रहा हूं उससे इंक्रीज हो गया ना एक तरह से, ई एफ जी आर सी आर। तो ई एफ सी आर से कंज्यूमर का सरप्लस बढ़ गया। हाँ, तो वो मिसप्रिंटिंग है वैसे, मतलब हम ही ठीक कर लेते हैं। हाँ, तो ई एफ सी आर से हमारा कंज्यूमर सरप्लस जो है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद है 118, व्हेन द प्राइस राइजेस फ्रॉम एफ टू ई। कह रहा अगर प्राइस एफ से ई पे पहुंच गया, तो ये अकेला ऐसा क्वेश्चन है जो आपके अब सिलेबस में, मतलब ना तो पहले था ना अब है, लेकिन इन्होंने ग्रेजुएशन से उठा के दे दिया, क्योंकि हम प्रोड्यूसर के सरप्लस को तो फिर भी पढ़ते हैं अपने सिलेबस में, हम प्रोड्यूसर के रेवेन्यू को नहीं पढ़ते, पर फिर भी उसने दे रखा है।
तो आपको इस क्वेश्चन को रटना पड़ेगा। तो व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम एफ टू ई द इंक्रीज इन रेवेन्यू अर्नड बाय द सेलर इज, तो मैं डायग्राम पे दिखा देता हूं, कह रहा है अगर प्राइस एफ से ई हो गया, पहले डायग्राम साफ कर लें थोड़ा, कि अगर प्राइस एफ से ई बढ़ जाए मान लो, तो सेलर का वो पूछ रहा है रेवेन्यू कितना इंक्रीज होगा। तो ये आपको ग्रेजुएशन में सिखाया जाएगा, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, सेलर का जो रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी वो जो मैंने शेड कर दिया पीले रंग से उतनी होगी। इसका मतलब वो सेम क्वांटिटी ऊंचे दाम पर अगर बेच रहा होगा तो उसके रेवेन्यू में इतनी बढ़ोतरी हो गई। सेम क्यू लेवल पर अगर हम जज करें तो अब प्राइस के एफ से ई पर पहुंचते ही उसको उतना पीला एरिया जो है वो ज्यादा कमाई का अवसर मिल जाएगा, है ना। तो ये इसका आंसर है, इसको बस आप लर्न कर लेना क्योंकि ये हमारे सिलेबस में वैसे नहीं होता। तो ई एफ जी आर से सेलर का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, तो ए ऑप्शन मतलब ई एफ जी आर, तो वो जो रेक्टेंगल है वो सेलर का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। चलो उसके बाद एक क्वेश्चन 119, हाउ वुड दैट बजट लाइन बी अफेक्टेड इफ प्राइस ऑफ बोथ गुड फेल, कह रहा है अगर दोनों ही गुड सस्ते हो जाएं, बताओ राजीव, आइसक्रीम पहले 20 रुपए की थी अब 10 की हो गई, चॉकलेट पहले 10 रुपए की थी अब 5 की हो गई, मतलब दोनों गुड्स सस्ते हो गए, तो क्या तुम दोनों गुड्स अब ज्यादा खरीद पाओगे, बोलो, या तो बजट लाइन कैसे शिफ्ट होगी आपकी। अब आप चॉकलेट भी ज्यादा खरीद पाओगे, आइसक्रीम भी ज्यादा खरीद पाओगे, तो अब आपकी बजट लाइन कैसे शिफ्ट हो जाएगी, राइट में शिफ्ट हो जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन बन गया, बजट लाइन वुड नॉट शिफ्ट, ये तो गलत। न्यू बजट लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द ओल्ड बजट लाइन, हाँ ये सही। द बजट लाइन मस्ट बी शिफ्टिंग टू द लेफ्ट, ये भी गलत। द न्यू बजट लाइन विल हैव द सेम स्लोप एज द ओरिजिनल सो लॉन्ग एज द प्राइस ऑफ बोथ गुड्स चेंज इन द सेम प्रपोर्शन, ये भी सही। तो दो सही है वैसे तो इसमें, चलो तो कोई नहीं, मतलब वो किताब में इन्होंने ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो दोनों सही, लेकिन डी ज्यादा सही इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बी जो है वो डी का ही भाग हो गया, एक तरह से बी जो है वो डी के अंदर ही समा गया ना। अगर आप लॉजिकली सोचोगे भाई, अगर दोनों के प्राइजेस कह रहे हैं सेम प्रपोर्शन से कम होंगे, तो जो अब नई हरी वाली बजट लाइन बनी उसका स्लोप और जो पुरानी बजट लाइन थी लाल, दोनों का स्लोप सेम रहेगा, तो टेक्निकली वो पैरेलल ही होंगे, तभी स्लोप सेम भी रहेगा। तो बी जो है वो डी के अंदर ही आ गया वैसे देखा जाए तो, डी में ज्यादा मतलब उसने एक्यूरेट बात कह दी है तो डी ले लेते हैं फिर हम, ज्यादा बेहतर। हालांकि बी वैसे सही है लेकिन आप ऐसे समझ लो बी ऑटोमेटिकली डी के अंदर कवर हो गया। और उसके बाद 120, ड्यूरिंग रिसेशन, तो रिसेशन के दौर में इकोनॉमीज एक्सपीरियंस इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, हां, रिड्यूस लेवल ऑफ इनकम, हां ठीक है। हाउ वुड अ रिसेशन लाइकली टू अफेक्ट द मार्केट डिमांड फॉर न्यू कार्स, तो नई गाड़ियों की मार्केट डिमांड क्या होगी, लेफ्ट होगी, क्योंकि कंज्यूमर की एक तरह से आप कह सकते हो इनकम लेवल कम हो गया, तो जब इनकम कम हो जाती है कंज्यूमर की तो डिमांड कर्व कहां शिफ्ट होगा, लेफ्ट में, डिमांड भी कम हो जाएगी तो डिमांड कर्व जो है विल शिफ्ट टू लेफ्ट। चलो तो बहुत बहुत मुबारका।